वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया एसे जिसका टाइटल है माय फेवरेट टीचर, या फिर द टीचर यू लाइक द मोस्ट, या फिर एन आइडल टीचर। बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसने इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। माय फेवरेट टीचर का मतलब होता है मेरा प्रिय अध्यापक, या फिर द टीचर यू लाइक मोस्ट का मतलब है वह अध्यापक जिसे आप बहुत अधिक पसंद करते हैं। एन आइडियल टीचर का मतलब है वह अध्यापक जो आपके लिए आदर्श है, यानी कि एक आदर्श अध्यापक। अब चलते हैं, इसको जान लेते हैं। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, जिसका मतलब होता है हिंदी में परिचय या प्रस्तावना। आई रीड इन CAB इंटर कॉलेज मेरठ। मित्रों आप अपने अनुसार अपने विद्यालय का नाम इसमें डाल सकते हैं, यानी मैं मेरठ के CAB इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। देयर आर सेवरल, मित्रों सेवरल का मतलब यहाँ पर है अनेक, यानी वहाँ पर अनेक अध्यापक हैं। मित्रों यहाँ पर हमारा एसे के साथ साथ हम वर्ड मीनिंग जो बताते रहते हैं उसका उद्देश्य रहता है कि आप अपनी वर्ड पावर को भी बढ़ाएं। तो अच्छा होगा इसके लिए आप अलग से कॉपी में इनको मेंशन करते रहें और समय समय पर रिवाइज करते रहें। तो हम बता रहे थे देर आर सेवरल टीचर्स, वहाँ पर अनेक अध्यापक हैं, तो सेवरल का मतलब अनेक। बट माई फेवरेट टीचर इज श्री शशिकांत जैन। फेवरेट माने मैंने भी बताया था प्रिय मनपसंद, लेकिन मेरे जो प्रिय अध्यापक हैं वे श्री शशिकांत जैन जी हैं। ही इज अ वेरी गुड टीचर, वह वास्तव में बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। अगला हेडिंग है ड्रेस एंड हैबिट्स। ड्रेस माने वस्त्र यानी पोशाक, एंड हैबिट्स माने आदतें, यानी उनके वस्त्र कैसे हैं, उनकी पोशाक कैसे हैं, इस हेडिंग में हम उसी के बारे में बात करेंगे। इन समर, समर मींस गर्मी, जैसा आप भली भांति जानते हैं। इन समर ही वियर, वियर का मित्रों यहाँ जो प्रयोग हुआ है वियर का मतलब है यहाँ पर पहनना, यानी गर्मियों में वह पहनते हैं। देखिए क्या पहनते हैं, अ शर्ट यानी एक शर्ट एंड अ पैंट और एक पैंट, यानी कह सकते हैं कि गर्मियों में वे एक शर्ट और पैंट पहनते हैं। इन विंटर यानी जाड़े में यानी सर्दी में ही पुट्स ऑन भी पहनने के लिए होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो वियर है और ये जो पुट ऑन है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनियम्स यानी पर्यायवाची। यानी सर्दियों में वह अ ब्राउन माने भूरी, वुलन माने गरम या ऊनी भी कह सकते हैं ऊनी, सूट माने सूट, यानी कि वे सर्दी में एक ब्राउन रंग की यानी भूरी रंग की ऊनी सूट को पहनते हैं। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बिलीव मित्रों, बिलीव का मतलब है विश्वास करना, सिंपल लिविंग का मतलब है साधारण जीवन, सादा जीवन, और हाई थिंकिंग का मतलब है उच्च विचार, यानी वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते हैं। ही इज एन अर्ली राइजर, यानी वे जल्दी उठ जाने वाले व्यक्ति हैं, ये भी कह सकते हैं कि वे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वे प्रतिदिन घूमने जाते हैं। ही ऑलवेज टेक सिंपल फूड, वे सदैव साधारण भोजन लेते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ का मतलब है मित्रों शौकीन, यानी कि उन्हें चाय का बहुत शौक है, यानी वे चाय के बहुत शौकीन हैं। अगला हेडिंग है नेचर एंड पर्सनैलिटी, यानी प्रकृति, नेचर मीन्स प्रकृति और पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व, यानी उनकी प्रकृति कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इसी से संबंधित मित्रों हम इसमें लिखेंगे बताएंगे। ही इज गुड नेचर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन। गुड नेचर्ड का मतलब है अच्छे स्वभाव वाले, ठीक, और सॉफ्ट स्पोकन का मतलब है मधुभाषी, मधुर बोलने वाले। वे अच्छे स्वभाव और अच्छी भाषा का प्रयोग करने वाले यानी मधुभाषी हैं।
ही इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन। यह मित्रों जो वर्ड आया है ह्यूमर और फन, इसका मतलब है हंसी मजाक करने वाले, यानी कि वे हंसी मजाक से परिपूर्ण, अर्थात वे बहुत ही विनोद प्रिय। विनोद प्रिय होता मजाक या हंसी मजाक करने वाले, वे बहुत ही हंसी मजाक यानी कि विनोद प्रिय व्यक्ति हैं। हिज पर्सनैलिटी इज चार्मिंग, पर्सन मीन्स व्यक्तित्व, चार्मिंग मीन्स आकर्षक, उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर है चरित्र से दृढ़, मजबूत होना, यानी हम इसको कह सकते हैं चरित्रवान, यानी वे एक चरित्रवान व्यक्ति हैं। क्वालिफिकेशन एंड मेथड ऑफ टीचिंग, क्वालिफिकेशन माने योग्यता, अर्थात हम उनकी यहाँ पर योग्यता के बारे में बात करेंगे। मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि उनके पढ़ाने की कला के बारे में, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में बात करेंगे। ही इज एन एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर, वे इंग्लिश साहित्य में यानी इंग्लिश का जो साहित्य है उस साहित्य में वे एम ए यानी मास्टर ऑफ आर्ट साइड, वे अंग्रेजी में एम ए हैं यानी अंग्रेजी साहित्य में वह परा स्नातक हैं। ही इज ट्रेन्ड, वह प्रशिक्षित भी हैं, पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, जिसे अक्सर हम बीएड या एमएड कहा करते हैं, उसको हम और भी इस प्रकार की अन्य ट्रेनिंग हैं तो उस सारी ट्रेनिंग को हम कहते हैं प्रशिक्षण। तो यहाँ वही कहा गया ही इज ट्रेन्ड, वह प्रशिक्षित भी हैं यानी उन्होंने पढ़ाने की ट्रेनिंग भी ली है। ही टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावपूर्ण, एंड प्रेज़वर्दी माने प्रशंसनीय। उनका पढ़ाने का जो तरीका है वह बहुत ही प्रभावपूर्ण यानी प्रभावकारी और प्रशंसनीय है। ही हैज थोरो, थोरो का मतलब होता है पूर्ण, थोरो थोरो का मतलब है पूर्ण। ही हैज थोरो नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, उन्हें अपने विषय की पूर्ण जानकारी है। अगला हेडिंग रीजंस फॉर लाइकिंग हिम, यानी उन्हें पसंद करने के कारण। ही इज एन आइडियल टीचर ऑफ अवर कॉलेज, वे हमारे विद्यालय के एक आदर्श अध्यापक हैं। ही इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स का मतलब होता है मित्रों स्रोत, और इंस्पिरेशन का मतलब, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, यानी कि टू हिज स्टूडेंट्स, वे अपने विद्यार्थियों यानी छात्रों के प्रति या छात्रों के लिए प्रेरणा के महान स्रोत हैं। ही इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर फॉर हिज ऑनेस्टी, माने ईमानदारी, सिंसियरिटी यानी कि कर्तव्य निष्ठा, एंड हार्डवर्क और कठिन परिश्रम, यानी उनका हर स्थान पर अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और कठिन परिश्रम के लिए सम्मान किया जाता है। मित्रों मुझे पूर्ण विश्वास है ये मेरे द्वारा समझाया गया ऐसे पेपर की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, लेकिन आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, और उन सभी लोगों को इसको शेयर करें जिनके लिए ये उपयोगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब तक मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।